साथियों, आपका आने वाला एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा है और हमारे सामने यह चैलेंज है कि हम इस कम समय में कैसे ऐसी बेहतरीन चीजों को पढ़े, टारगेटेड चीजों को पढ़े जो हमारे इस कम समय में हमको सफलता दिला सके। तो साथियों, हमने करेंट अफेयर के कुछ बेहतरीन सेगमेंट्स तैयार किए हैं, प्रश्नों का संकलन तैयार किया है जो आपके पिछली बार जो एग्जाम हुए हैं उन्हीं के बेस पर वो लोग क्या पूछते हैं, करंट में किस टाइप के सवालों को पूछते हैं, उन्हीं के आधार पर हमने कुछ नए प्रश्न बनाए हैं करंट अफेयर के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। साथियों, हमने इस बेस पर बनाया है कि पिछले साल जो भी एग्जाम हुए हैं, अभी जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का या इसके पहले जो भी एग्जाम हुए हैं, इन एग्जामों में देखा गया कि शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान जो है और साइंस, इन सभी से रिलेटेड जो करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं इन्हीं से बिल्कुल रिलेट करके साथियों हमने बहुत ही चर्चित और बहुत ही बेहतरीन चीजों को, जो करंट अफेयर्स की चीजों को यहां पर रखा है। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके आने वाला एग्जाम यूपी पुलिस के लिए बहुत ही बेहतरीन लाभदायक सिद्ध होगा। तो साथियों, हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न में, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपको अगर यहां से कोई भी सवाल बनेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी राज्य राजधानी क्षेत्र घोषित किया है। क्या घोषित किया है? राज्य राजधानी क्षेत्र। तो इनमें से ऐसा कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, जो सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र घोषित किया है उसमें कौन से जिले हैं। तो साथियों, जैसा कि मालूम है आपको, जिस प्रकार NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले शामिल हैं, उसी तरह से उसी तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र सरकार ने घोषित किया है। जैसे दिल्ली के जो आसपास बहुत डेवलप उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो NCR में शामिल हैं 8 जिले, उसी प्रकार लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं तो उसको सरकार ने NCR घोषित किया है, डेवलप पर जोर देगी सरकार। तो लखनऊ के आसपास को कुल 5 जिले हैं साथियों, हरदोई है, बाराबंकी है, सीतापुर है, रायबरेली है, उन्नाव है। तो लखनऊ और इन 5 जिलों को लेकर सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र इसे शामिल करेगी, राज्य राजधानी क्षेत्र बनाएगी, तो इसी क्षेत्र को विकास को बढ़ावा देगी। यहाँ पर जो है NCR की तरह यहाँ भी विकसित होगा, तो NCR के तर्ज पर ही ये बनाया गया है। तो यहाँ पर हमने कौन सा नाम दिया, शाहजहांपुर यहाँ पर नहीं है, तो बाकी सब हैं जो हमने यहाँ नाम दे दिया है, शॉर्टकट में नाम लिख दिया है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही चर्चित प्रश्न है ये। क्या कह रहा है साथियों? अभी केंद्र सरकार की एक जो है कार्यक्रम बहुत ज्यादा चर्चा में था, उसका नाम है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम साथियों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, एक ऐसा कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम के तहत लद्दाख ने अभी पूर्ण कार्यशील साक्षरता हासिल कर लिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे, सर ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम क्या है? साथियों, एक ऐसा कार्यक्रम है जो 15 वर्ष या उससे ऊपर के लोगों को प्रशिक्षित यानी शिक्षित करने पर, साक्षर बनाने पर जोर देता है। जो लोग मतलब 15 वर्ष या उससे ऊपर के लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते, जोड़ घटा नहीं सकते, उनको पढ़ना लिखना जोड़ना घटाना सिखाना, जिससे कि वो अपने बच्चों के लिए समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए, वो उनकी जो है एक अनपढ़ों जैसी प्रवृत्ति न रहे, तो उसी के लिए 15 वर्ष से ऊपर के लोगों को शिक्षित करने के लिए यह कार्यक्रम लाया गया था। कौन सा कार्यक्रम? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो ये लद्दाख ने यहाँ पर 97% जो है यहाँ जो है कार्यशील साक्षरता हासिल कर ली है, जिसे पूर्ण कार्यशील कह दिया गया है, यानी 97% हो गया, तो लगभग पूर्ण कार्यशील साक्षरता हासिल कर लिया लद्दाख ने। बहुत बढ़िया, आगे चले हम लोग। हमारा ये तीसरा प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अभी कौन सा शहर विश्व शिल्प शहरों की सूची में शामिल नहीं है? तो इससे पहले हमें यह जानना होगा कौन सा शहर विश्व शिल्प शहरों की सूची में शामिल है। तो साथियों, अभी हाल ही में श्रीनगर को विश्व शिल्प शहरों की सूची में यानी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी
में शामिल वर्ल्ड वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के सूची में शामिल कर लिया गया है, जिसे हिंदी में नाम दिया जाता है विश्व शिल्प शहर की सूची। तो श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर की सूची में शामिल कर लिया गया, लेकिन आपसे पूछा है कौन सा शामिल नहीं है। तो श्रीनगर के पहले साथियों जयपुर, मैसूर और केरल का एक मामल्लपुरम मतलब शहर है वो शामिल हो गया है, तो वाराणसी विश्व शहर सूची में शामिल नहीं है। तो श्रीनगर अभी हाल ही में आया इसलिए चर्चा में आया। तो श्रीनगर, जयपुर, मैसूर और मामल्लपुरम वो है तीनों, वाराणसी शामिल नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हम लोग चौथा देखते हैं साथियों क्या कह रहा है। चौथा क्या कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा अराकू कॉफी, हाल ही में चर्चा में रहा अराकू कॉफी का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों अभी मोदी जी जो महीने के अंत में रेडियो पर मन की बात करने आते हैं, तो वहां पर उन्होंने जो आंध्र प्रदेश की एक अराकू कॉफी है जो उसे जीआई टैग मिला है, तो उसकी उसके स्वाद की, उसके जो है यूनिक टेस्ट की, जो उसकी एक अद्वितीय स्वाद है, उसकी चर्चा किए थे मोदी जी, इसलिए ये चर्चा में आया था आंध्र प्रदेश की है। वैसे भी मोदी आजकल बिहार और आंध्र प्रदेश की बात हर जगह रखते हैं, कुछ न कुछ उसके बारे में बोल ही देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लेफ्ट राइट बिहार और आंध्र प्रदेश ही है, अगर कोई इधर उधर हो गया तो मामला गड़बड़ होगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी हो गया आंध्र प्रदेश, यानी अराकू कॉफी का संबंध किस राज्य से है, आंध्र प्रदेश से है। आगे चले हम लोग देखें, देखें पांचवा में साथियों क्या कह रहा है। पांचवा में साथियों उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने वायरल बैक्टीरियल खतरे को कम करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो साथियों अभी बारिश आने वाली है, जैसे मानसून आने वाला था, तो उत्तर प्रदेश को मालूम था कि जगह जगह गंदे पानी इकट्ठा होंगे और मच्छर होंगे, जिससे बैक्टीरिया फैलेगा, लोगों को बीमारी होगी, खास करके बच्चों में डायरिया की बीमारी होती है, जो डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, जो दस्त उल्टी, तो उसको जो है कंट्रोल करने के लिए, वायरल बैक्टीरियल खतरे को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने डायरिया रोको अभियान शुरू किया है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया, आगे चले हम लोग छठवां देखते हैं क्या है। छठवां में साथियों कह रहा है हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो साथियों सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का आयोजन मतलब उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया, तो कर्नाटक में किया गया, विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर ए कर्नाटक में किया गया सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। देखें सातवां में क्या है, अभी ये प्रश्न आया था, मैं आपको बताया था, तो डायरिया रोको अभियान किस राज्य सरकार का अभियान है, तो ये साथियों उत्तर प्रदेश सरकार का ये अभियान है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। तो डायरिया आप लोग जानते हैं डिहाइड्रेशन की समस्या है, जो बच्चों में हो जाती है, तो उल्टी दस्त की समस्या होती है। आगे देखें हम लोग आठवें में, आठवां में साथियों ये क्या करा है, बहुत चर्चित प्रश्न है इस साल का। तो केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है, यानी अभी केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है उन्होंने एक दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में चुना है और बोले कि इस तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। तो तारीख कौन सी थी साथियों, 25 जून, विकल्प नंबर बी ये 25 जून के क्यों चुना, क्योंकि साथियों अभी आप लोगों को मालूम होगा कि विपक्षी गठबंधन ने अभी जो चुनाव हुआ था तो मोदी सरकार पर संविधान को हत्या, संविधान को खतरे में बताया था बीजेपी को लेकर, तो उसी का खेल जो है, जो एक बदला लेने के लिए मोदी जी ने चुना कि 25 जून को इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी लगाया था, आप लोगों को मालूम है 1975 में तो इमरजेंसी लगाई थी, तो उसी के सिलसिले में मोदी जी ने 25 जून को ये दिवस चुना, कहा कि इस दिन को संविधान की हत्या इंदिरा गांधी जी ने किया था, तो इसीलिए विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग नौवां में क्या कह रहा है, हाल ही में 22वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन, तो 22वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपको मालूम होगा मोदी जी अभी रूस गए थे, तो वहीं पर जो है ये सम्मेलन हुआ था, रूस की राजधानी ये मॉस्को में, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया, दसवां में देखते हैं हम लोग क्या है। देखें दसवां में हमसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर को सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में भाग लेने के लिए चुना है। तो साथियों वाराणसी को जो उत्तर प्रदेश का शहर है,
तो उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी को सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में भाग लेने के लिए चुना है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ये सब यही सब पूछे जाते हैं। और बाकी के बहुत लोग पढ़ाते हैं वहां भी देख लीजिएगा, वो बच्चों टाइप का क्वेश्चन नहीं, बहुत लोग जो है आपको मसालेदार चीजें लेकर आएंगे, सिर्फ वो पढ़ने पढ़ाने में मजा आता है साथियों, उसका क्वेश्चन आने एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न को मतलब उसको प्रश्न को बेसिस को समझने में वो निरर्थक होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर दिया है लेकिन बहुत ही इसमें कोई दम नहीं है, सिर्फ देखने में बड़ा लगता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, किसने, भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी सार्क के साथ, ये जो सार्क एक संगठन है अभी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सार्क संगठन के साथ जो है 2024-27 की अवधि के लिए मुद्रा विनिमय के लिए संशोधित ढांचा लागू करने का निर्णय लिया है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये सार्क क्या है, सार का फुल फार्म, सार को ऐसे लिखा जाता है, ये है सार्क। तो सार का फुल फार्म होता है साथियों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये दक्षिण एशिया के जो देश हैं तो उनको हिंदी में कहा जाता है ना, दक्षिण एशियाई देशों का सहयोगी संगठन है ये, तो यही इसे नाम दिया जाता है। तो इसमें भारत के जो दक्षिण भारत के जो देश हैं, तो दक्षिण एशिया के देश है वही इसमें शामिल है। कौन कौन है साथियों, अपना इंडिया है, और इंडिया के साथ साथ तीन इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश, तो तीन ये हो गए, और इसके साथ साथियों नेपाल हो गया, और फिर भूटान हो गया, नेपाल भूटान, फिर श्रीलंका, श्रीलंका, और क्या हो गया हमारा मालदीव। कुल 8 देशों का ये सार्क संगठन है, याद रखिएगा इसे, सार्क में कुल 8 देश है, मैंने बता दिया है। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग 12 में क्या है। हाल ही में किस संस्थान के संदर्भ में, हाल ही में किस संस्था ने भारत के संदर्भ में वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया है। तो ऐसी कौन सी संस्था है जो भारत के संदर्भ में वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने जारी किया है। बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा। देखते हैं हम लोग 13 वाले में क्या है साथियों। 13 में देखिए एक प्रश्न है बहुत अच्छा, आपसे कह रहा है कि केरल का नया नाम क्या रखने की मांग की जा रही है। तो केरल वासियों के द्वारा केरल का नया नाम केरलम रखने की मांग की जा रही है, विकल्प नंबर बी, इसलिए क्योंकि इसका जो पुराने ग्रंथ है वहां के, वहां इस केरल का नाम में केरलम की चर्चा है। तो बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, हम लोगों का प्रश्न संख्या 14 में क्या पाया, क्या 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 पूछा जा रहा है। तो हाल ही में चर्चा में रहे मास्को पीरो, क्या साथियों, मास्को पीरो जनजाति पाई जाती है, तो नाम में ही पीरो लगा है, पेरू टाइप का है, तो इसे आप थोड़ा सा अगर आपको याद नहीं रहे फिर भी पकड़ लेना, हाँ ये पेरू में है, मास्को पीरो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये पेरू में। आगे देखें हम लोग 15 में, तो साथियों देखें 15 में हमसे पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखने में बड़ा है लेकिन कोई दम नहीं है। तो देखो इसरो ने इतना जो बड़ा लिख दिया है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म इसरो है, तो इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया है। तो साथियों बीएचयू में, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, बीएचयू में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसरो ने जो उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा, बीएचयू। आगे देखते हैं हम लोग 16 में क्या पूछ रहे हैं। हाल ही में किस देश के साथ जैविक उत्पाद के लिए यानी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए, ऐसा कौन सा देश है उसके साथ जो है भारत ने जैविक उत्पाद के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो साथियों तवाइन, ये चीन के बगल में है ये तवाइन, तवाइन के साथ भारत ने जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता का कार्यान्वयन प्रारंभ किया है, तो विकल्प नंबर ए हो गया, जैविक उत्पाद तवाइन, ये याद रखिएगा। 17 में क्या है, देखें हम लोग 17 में साथियों पूछ रहा है, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए समर्पित, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए समर्पित क्या साथियों, नन्हे फरिश्ते नामक अभियान किस संस्था के द्वारा चलाया गया है। तो नन्हे फरिश्ते किसके लिए है, बच्चों की देखभाल और उनकी सुरक्षा के लिए यह अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो साथियों यह रेलवे सुरक्षा बल या आरपीएफ के द्वारा चलाया जा रहा है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा,
17 का बी हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हम लोग, देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा 18 वाले में। तो साथियों, तो ये तो अभी प्रश्न आया था, 10वां दोबारा रिपीट हो गया है। ये करा है जो है, किस शहर को सस्टेनेबल सिटी चैलेंज के में भाग लेने के लिए चुना है, तो वाराणसी में है। तो ये 11, 10 तो अभी आया था, हम लोग 11 देखते हैं। तो 11 में, तो साथ ही हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या कर रहा है, कर रहा है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने, आईएमओ ने, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया। आईएमओ के परिषद का 172वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया, तो लंदन में आयोजित किया गया। विकल्प नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, आईएमओ के परिषद का 172वां सत्र लंदन में। 19 में क्या है, 19 में साथियों क्या कह रहे हैं, सी एस आई आर द्वारा स्टील स्लैग रोड, यानी ऐसा रोड जो स्टील स्लैग से बना है, तो स्टील स्लैग रोड पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया गया है साथियों, स्टील स्लैग रोड पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। विकल्प नंबर बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे चले हम लोग, 20 में देखते हैं क्या है। तो देखें 20 में हमसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, तो ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जो है, ये क्या है, इसको ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी, ये एक 14 अंकों की एक आईडी होती है, जो मरीजों की जो एक तरह से जो पहचान करती है, उनको जो है उनकी आगे की कार्रवाई के लिए उनकी पहचान किया जाता है। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सृजित करने यानी बनाने वाला, कीर्तिमान स्थापित करने वाला राज्य कौन सा हो गया। तो साथियों, उत्तर प्रदेश जो 1 करोड़ 1 करोड़ 33 लाख लगभग टोकन जो है सृजित किया है उत्तर प्रदेश ने, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं हम लोग, तो साथियों 21 में हमारा क्या कह रहा है, 21 वाले में कह रहा है जीएसटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न, ऐसे ऐसे ही प्रश्न ज्यादातर जो है पूछ लिए जाते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता उनको। तो साथियों जीएसटी जिस दिन लागू हुआ था, तो 1 जुलाई, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा, जीएसटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को, बहुत अच्छा। 22वां में देखते हैं हम लोग क्या पूछ रहे हैं हमसे, तो 22वां में साथियों, 22वां में हमसे ये पूछा जा रहा है, हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स क्या होते हैं साथियों, ऐसे वर्कर्स जो ठीका पर काम करते हैं कि आप हमारा ये काम कर दो, हम आपको इतना पैसा देंगे, और ठेकेदारी के बारे में आप लोग जानते हैं। तो गिग वर्कर्स के लिए कानून लाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है, तो दूसरा राज्य साथियों ये लाने वाला, ये जो गिग वर्कर्स के लिए यानी ठेकेदार वर्कर्स जो है, ठेकेदारी पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए जो कानून लाने वाला, ये भारत का दूसरा राज्य आपसे पूछ रहा है, तो दूसरा राज्य साथियों ये कर्नाटक है, विकल्प नंबर सी। अगर आपसे पूछे सर ये तो दूसरा है, पहला राज्य कौन सा रहा है, तो पहला राज्य साथियों राजस्थान है। तो पहला दूसरा दोनों याद रखिएगा, ये पहला राजस्थान है, दूसरा कर्नाटक लाया है। 23 में क्या है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 51,200 वर्ष पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की है, तो साथियों इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में शोधकर्ताओं ने, वहां के शोधकर्ताओं ने 51,200 वर्ष पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की है, तो वो इंडोनेशिया में, विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा। 24 में देखते हैं, 24 में साथियों हमसे पूछ रहा है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ध्वजवाहक के रूप में चुना है,
तो ध्वजवाहक यानी झंडा फहराने वाले के रूप में चुना है पीवी सिंधु को, चुना है और शरद कमल को चुना है दोनों लोगों का, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। बहुत अच्छा, आगे हम देखते हैं 25वां में। 25वें में साथियों हमसे पूछ रहे हैं, हाल ही में लागू किए गए आपराधिक कानूनों में, अभी आप लोगों को मालूम है केंद्र सरकार ने बहुत से आपराधिक कानूनों को, नया आपराधिक कानून बनाया है, कई सारे पुराने आपराधिक कानूनों को अपडेट किया है, तो उन्हीं आपराधिक कानूनों को उत्तर प्रदेश में जो है 100 धारा 106 के तहत, उसी नए कानून के तहत पहला मुकदमा कहां दर्ज किया गया है, किस जिले में दर्ज किया गया है, तो वही पूछ रहा है। तो साथियों ये विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा, अमरोहा, अमरोहा में दर्ज किया गया है। अमरोहा जानते हैं उत्तर प्रदेश का जिला है, आपके जो क्रिकेटर जो बॉलर है मोहम्मद शमी वो इसी जिले के हैं, तो अमरोहा को याद रखिएगा। अमरोहा में नए आपराधिक कानूनों का जो कानून बना है उसके तहत 106 के तहत, धारा 106 के तहत पहला ये मुकदमा जारी मतलब चलाया गया है। आगे देखें हम लोग अब क्या है ये 26 में। तो 26 में साथियों क्या हमसे पूछ रहे हैं, हाल ही में विंबलडन 2024 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो पुरुष विंबलडन 2024 का पुरुष एकल, याद रखिएगा पुरुष एकल की बात कर रहा है, पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, तो साथियों कार्लोस अल्कराज, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज ने जीता है पुरुष एकल खिताब। किसको हराकर साथियों, नोवाक जोकोविच को हराकर, तो ये हारे थे और ये जीते थे, कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा 26 का बी। आगे चले हम लोग 27। तो 27 में साथियों देखें, देखने में तो ये प्रश्न बड़ा है लेकिन इसमें कोई दम नहीं है साथियों, दिखा रहे हैं आपको हम, तो थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। 27वां में थोड़ा सा बड़ा देखने में लेकिन बहुत ही झन्नाटेदार प्रश्न है ये। अभी जो भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है रोहित शर्मा की कप्तानी में, तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है। तो कह रहा है इन दोनों दो कथन दिए गए हैं, इन्हीं दोनों कथनों को पढ़ लीजिए, पढ़कर सही उत्तर दे दीजिए। तो पहला कथन कह रहा है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया, यह सही बात है, ये विकल्प सही है ये कथन। और दूसरा कथन कह रहा है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यानी BCCI ने T20 विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है, यस दोनों कथन सही है, यानी जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया और BCCI ने टीम इंडिया जो विश्व कप जीती है उसको 125 करोड़ रुपया पुरस्कार देने की घोषणा की है, दोनों के दोनों कथन सही है, तो हमारा यहाँ पर विकल्प हो जाएगा सी, यानी एक और दो दोनों कथन सही है। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग 28 में देखते हैं क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास। नोमैडिक एलिफेंट एक सैन्य अभ्यास है, ये किन देशों के बीच संपन्न होता है। तो साथियों नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, भारत मंगोलिया, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, ये नोमैडिक एलिफेंट जो है सैन्य अभ्यास है इसके बीच, भारत और मंगोलिया के बीच में। 29 में क्या है साथियों देखें, बहुत अच्छा प्रश्न, ये चर्चा में भी रहा था, नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो साथियों 18 जुलाई, विकल्प नंबर बी हो गया, ये नेल्सन मंडेला से जुड़ा हुआ डेट है, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा 18 जुलाई, 29 का ए हमारा हो जाएगा उत्तर। आगे चले हम लोग देखते हैं 30 में, देखते हैं हम क्या पूछ रहा है साथियों, हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में, तो हाल ही में अभी जो जारी हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो साथियों तीसरा स्थान प्राप्त करने वाला ये बी हो जाएगा, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा हमारा, तो अलीगढ़ AMU, हाँ AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ये तीसरा रैंक हासिल किया है, किसमें, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में। आगे देखें हम लोग 31 में,
हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 से पशुधन क्षेत्रक से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है? यानी ऐसा कौन सा देश है, वो देश साथियों उस देश का नाम पूछा है, उस देश ने 2030 से जो पशुधन क्षेत्रक वाले हैं यानी पशुपालन वाले जो क्षेत्र हैं वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है तो उस पर टैक्स लगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा जो क्षेत्र वहां पर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये कौन सा ऐसा निर्णय कौन सा देश ने लिया है साथियों? तो ये डेनमार्क ने लिया है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा। आगे देखें 32 में, 32 में साथियों हमसे पूछ रहे हैं, ये 32 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री, यानी मैत्री क्या है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और थाईलैंड के बीच, तो भारत और थाईलैंड के बीच, विकल्प नंबर सी हो जाएगा यहाँ, ये थाईलैंड है, तो आयोजन मैत्री का आयोजन किया गया थाईलैंड में किया गया है। तो किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किया गया? थाईलैंड के साथ। आगे देखें तो साथियों देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको जो है ये याद हो जाएगा एग्जाम में अगर आएगा तो। तो देखें क्वेश्चन पर आप मत जाइए, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आपसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट अस्मिता का उद्देश्य क्या है। तो साथियों अभी जो नई शिक्षा नीति आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, उसमें एक बात कही गई थी, केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं को बढ़ावा या विकसित करने का प्रयास करेगा, तो उसी के सिलसिले में ये प्रोजेक्ट अस्मिता है। प्रोजेक्ट अस्मिता में कहा गया है कि 22,000 पुस्तकें भारतीय भाषाओं में तैयार करना है, तो विकल्प नंबर यहाँ डी हो जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। तो आगामी आने वाले जो 5 वर्ष हैं उसमें 22,000 पुस्तकें भारतीय भाषाओं में तैयार करना है। बहुत अच्छा, चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न पर, हमारा क्या है देखें 34 में क्या है। हाल ही में नाटो के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाटो के एक संगठन है, उसमें महासचिव, नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूट, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, मार्क रूट को। 35 में क्या है साथियों, हाल ही में किस राज्य ने हाइब्रिड कारों के रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ करने का निर्णय लिया है? इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग है तो आप लोग इतना रखिए, उत्तर प्रदेश ने हाइब्रिड कारों को रजिस्ट्रेशन पर टैक्स माफ करने के, मतलब टैक्स माफ करने का निर्णय लिया है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। हाइब्रिड कार अगर कोई लेगा तो उसपे से टैक्स माफ रहेगा, सस्ते में मिल जाएगी। हाइब्रिड कार का मतलब जैसे वो दोनों से चलती हो, जो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों से हो। 36 क्या है, हाल ही में कमला पुजारी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो साथियों कमला पुजारी बहुत ही चर्चित थे, उनका अभी निधन हुआ है, तो कमला पुजारी का संबंध जैविक खेती से था, तो जैविक खेती मतलब ये जो ऑर्गेनिक कृषि होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उससे संबंधित था, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा 36 का हमारा, विकल्प नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं 37 में, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिस्री को, विकल्प नंबर, ये मिस्त्री नहीं है, विक्रम मिस्त्री को, तो मिस्त्री कहीं कहीं पढ़ लेते, कहीं कहीं मिस्त्री बोल दिया जाता है इनको, तो यही है, सी है, तो इसको याद रखिएगा, नाम में लगा है मिस्त्री। 37-38 देखते हैं अब, तो देखिए साथियों ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है आपसे, ये बहुत ही पूछने के चांस इसका बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने इसको रखा है। ये राइजोटोप प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? तो राइजोटोप प्रोजेक्ट का संबंध साथियों ये दक्षिण अफ्रीका से है, तो विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा, विकल्प नंबर डी दक्षिण अफ्रीका से है। क्यों है राइजोटोप साथियों? दक्षिण अफ्रीका में जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं, एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं उनका शिकार बहुत तेजी से किया जा रहा था, तो उनका शिकार जो बहुत तेजी से किया जा रहा था, तो अफ्रीका ने वहां पर क्या किया, दक्षिण अफ्रीका ने उन गैंडों को पकड़ पकड़ के उनके सींगों में एक चिप लगा दिया गया, जो है रेडियोधर्मी चिप, तो
उन्हीं सिंह के लिए जो है वो मतलब उनका शिकार किया जाता था। अब वो सिंह जो है विषैली हो गई, उनका तो सिंह अगर कोई उनको शिकार करके उनका सिंह लेना चाहेगा तो किसी काम का नहीं रह जाएगा। एक तो उनकी सिंह को मानव उपयोग के लिए बेकार कर दिया, इसलिए कोई उनको पकड़ेगा नहीं, उनका शिकार नहीं करेगा। और दूसरा उस चिप से उसका जो है एक तरह से उनको लोकेट किया जा सकता है, कहाँ पर हैं, कितने हैं, मतलब कहाँ वो लोग टहल रहे हैं, इस बारे में ये जानकारी प्राप्त होगी। राइजोटोप प्रोजेक्ट, ये जान लीजिए, एक सिंह वाले गैंडो से है, दक्षिण अफ्रीका से, इतना समझ जाएंगे आप। 39 में क्या है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एरियन 6, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एरियन 6 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो साथियों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एरियन 6 नाम के एक रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। आगे देखें हम लोग 40 में। 40 में साथियों कह रहा है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर डियर पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर डियर पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है? तो साथियों ये लिया गया है ये नोएडा में, बायोडायवर्सिटी पार्क नोएडा। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ये बायोडायवर्सिटी पार्क नोएडा में जो है डियर पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। देखें क्या है यहाँ 41 में, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के स्वदेशी लाइट, लाइट मतलब यहाँ हल्का है, वो बत्ती नहीं है, तो स्वदेशी यानी अपने ही देश में बनाया गया हल्का टैंक, जिसका नाम जोरावर रखा गया है। ये हल्का टैंक है, ये कहीं भी इसे ले जा सकता है। जैसे अभी जो एकदा कोरोना काल में चीन के साथ भारत का संघर्ष हुआ था, तो वहां पर हल्का लाइट टैंक, जो हल्का टैंक की जरूरत महसूस किया गया था, तो इसको कहीं भी आसानी से ले जा सकता है। तो ये जोरावर का विकास DRDO ने और किया है, और एक निजी कंपनी के साथ मिलकर किया है। तो वही आपसे पूछ रहा है, ये जो स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का विकास डर्डो ने किया, DRDO ने किया है, तो ये किस कंपनी के साथ मिलकर किया है? तो साथियों LT कंपनी के साथ। LT क्या है, लार्सन एंड टुब्रो, विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा। देखें 42 में क्या कह रहे हैं, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शतरंज दिवस साथियों 20 जुलाई, विकल्प नंबर ए। आगे देखें हम लोग, आगे साथियों क्या है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023 से 24 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24, ये इस इंडेक्स में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों केरल, उत्तराखंड, ये दोनों पहले स्थान पर आए हैं। तो डी हो जाएगा हमारा उत्तर, डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग, अब देखते हैं क्या है 44 में, हाल ही में खबरों में रहे इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रमोचक रॉकेट का नाम है? तो अभी इसरो ने साथियों एक रॉकेट जो है बनाया है, तो पुनः प्रयोज्य प्रमोचक यानी इसे दोबारा जो है लॉन्च किया जा सकता है इस रॉकेट को, तो इसको बनाया है, इसका नाम उन्होंने पुष्पक रखा है, याद रखिएगा, पुनः प्रयोज्य प्रमोचक रॉकेट का नाम पुष्पक है। तो 45 में क्या है, तो 45 में साथियों हमसे पूछ रहे हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, विदेशी निवेशक को आकर्षित करने के लिए कंट्री डेस्क स्थापित किया गया है, CD कंट्री डेस्क स्थापित किए गए हैं, इनमें से किस स्थान पर इसे स्थापित नहीं किया गया है? तो साथियों आप लोग सरल भाषा में समझिए कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए, विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए विदेशों में जगह जगह कुछ अलग अलग देशों में ये CD स्थापित किया है, कंट्री डेस्क स्थापित किया गया है, कि वहां पर लोगों को बताया जाएगा कहाँ आप उत्तर प्रदेश में चलें, वहां आपके बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था दिया जाएगा, जो है आपको सुरक्षा दी जाएगी, आपको हर एक सुविधा दिया जाएगा, आप वहां पर निवेश करिए। तो निवेश करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी थोड़ा सा कम होगी, यहाँ पर जब निवेशक आएंगे निवेश करने। तो साथियों ये कहाँ पर नहीं किया गया है ये आपसे पूछ रहा है, तो यानी कई जगहों पर किया गया है, कहाँ पर नहीं किया गया है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं किया गया, जबकि अमेरिका, जापान, यूरोप में यह कंट्री डेस्क स्थापित किया गया है।
आगे चले हम लोग 46। हाल ही में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये आपको बताना है कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। 47 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? यानी ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सूचकांक जारी किया कि ऐसा भारत जो है कंप्यूटर को मानव के रूप में जो प्रयोग करता है, जिसे हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो साथियों 72 है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा, 47 सी। एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने 48 वाले में। इसमें क्या कह रहा है, महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति, मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो साथियों महिलाओं को जो है मासिक धर्म में जो है उनको छुट्टी देने वाला बिहार एक पहला राज्य है, विकल्प नंबर ये डी हो जाएगा हमारा। तो बिहार तो पहला राज्य है, 1992 से ही लगभग वहां के जो पीरियड्स महिलाएं होती हैं तो उनको छुट्टी देता है, वो भी वेतन के साथ, उनके वेतन जो छुट्टी देती है जो प्राइवेट सेक्टर है या सरकारी होगा, तो अगर महिलाओं के पीरियड्स में जो उनको छुट्टी दी जाएगी उनमें उनका वेतन नहीं काटा जाएगा, सवेतन छुट्टी दी जाएगी, ये चीज याद रखिएगा आप। तो इसके बाद केरल ने भी स्कूली लड़कियों को जो है, एक जो कॉलेज में स्कूल में यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं उनको भी अभी पिछले साल जो है 2023 में ये छुट्टी देने का प्रावधान किया है। तो इन दोनों दोनों का नाम याद रखिएगा। तो यहां पर पहला जो बिहार है, दूसरा केरल है। 49 में क्या है, हाल ही में स्पेन ने किस देश को हराकर चौथी बार यूरो कप का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड को हराया है स्पेन ने, यूरो कप जीत लिया है। तो 50 में क्या कह रहे हैं, हाल ही में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की तरफ से, एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप एक पत्रिका है साथियों, इन्हीं की तरफ से राज्य को 2024 का कृषि राज्य का, किस राज्य को 2024 के सबसे अच्छा कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो साथियों महाराष्ट्र, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ये जो एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की तरफ से जो रिसर्च किया गया और ये पाए कि महाराष्ट्र जो है एक सबसे अच्छा कृषि राज्य है, तो विकल्प नंबर 2024 के लिए, तो विकल्प नंबर बी हमारा सही है। तो साथियों यहां पर हमने करंट अफेयर के जो 50 क्वेश्चन देखे, ये आपके आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि हमने ऐसे ही प्रश्नों को बनाया है जो अब तक के यूपीपी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बेस पर क्वेश्चन तैयार किया था। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।